हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुदामा जुयाल NCERT में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 हिंदी वसंत का दूसरा पाठ दादी माँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है आपका कक्षा 7 हिंदी वसंत के अंतर्गत दूसरा पाठ दादी माँ। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ का सारांश और साथ ही साथ पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं पाठ पर। आप इस पाठ को चाहे तो यहाँ से पढ़ सकते हैं बच्चों, और चाहे अपनी पाठ्य पुस्तक से, लेकिन एक बार पाठ को जरूर से ज़रूर पढ़ लें। इससे ये होगा कि जो यहाँ पर आपको पाठ का सारांश और पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे, उन्हें आप अच्छे से समझ पाएंगे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और जानते रहे कक्षा 7 हिंदी वसंत के सारे पाठों के प्रश्न उत्तर हमारे साथ। तो देख रहे ना आप यहाँ पर, यह है आपका कक्षा 7 हिंदी वसंत के अंतर्गत पाठ 2 दादी माँ, और हम आपको बता रहे हैं इस पाठ का सारांश और साथ ही साथ पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। आप ध्यान दें बच्चों, इस पाठ के जो लेखक हैं ये हैं शिव प्रसाद सिंह, और यहाँ पर शुरू हो जाते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्न, जिनका उत्तर हम आपको अभी यहाँ पर इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लगातार देखते रहे वीडियो और जुड़े रहे हमारे साथ। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अब जान लेते हैं सबसे पहले पाठ का सारांश। तो बच्चों आप ध्यान दें, यह कहानी शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई है। कौन है इसके लेखक? शिव प्रसाद सिंह। जिसमें लेखक ने अपनी दादी माँ का वर्णन किया है और बड़ों के महत्व को दिखाया है। लेखक बड़े हो चुके थे, उन्होंने अब तक बहुत तरह के सुख दुख देखे थे, परंतु जरा सी कठिनाई पड़ते ही मन अनमनासा हो जाता था। मित्र उसके सामने तो साथ देने का दिखावा करते थे, परंतु पीठ पीछे उनको कमज़ोर कहकर मजाक उड़ाते थे। ऐसे समय में लेखक को अपनी दादी माँ की बहुत याद आती थी। लेखक की दादी ममता, स्नेह, दया की मूर्ति थी। बचपन में लेखक को बरसात के दिनों में गंद भरे जल में कूदना अच्छा लगता था, जिससे एक बार उसे बुखार आ गया था। उस समय उसे बीमार पड़ना भी अच्छा लगता था। बीमारी में उसे दिन भर नींबू और साबू मिलता था, परंतु इस बार उसे जो बुखार चढ़ा था वह उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी दादी उसके माथे पर कोई अदृश्य शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी लगाती थी। वह उसकी पूरी तरह से देखभाल करती थी। दादी माँ को गांव में मिलने वाली 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। उन्हें गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेखक आज भी बीमार पड़ता है, परंतु मैस महाराज अपनी इच्छा अनुसार देखभाल करता है। डॉक्टर की शक्ल देखते ही अब उसका बुखार भाग जाता है। अब लेखक को बीमार पड़ने को मन नहीं करता था। एक दोपहर दादी माँ रामी की चाची को डांट रही थी। रामी की चाची ने पहले पैसे वापस किए थे और दोबारा पैसे मांगने आ गई थी। क्या समझे आप? रामी की चाची ने पहले के पैसे वापस नहीं किए थे और दोबारा पैसे मांगने आ गई थी। वह दादी माँ के आगे गिड़गिड़ा रही थी कि बेटी की शादी के बाद वह सब दे देगी। लेखक ने दादी को पैसे दे देने को कहा, परंतु दादी ने उसे भी डांटा। कई दिनों बाद लेखक को पता चला कि उसकी दादी माँ ने रामी की चाची का पिछला ऋण भी माफ़ कर दिया और उसे बेटी की शादी के लिए 10 रुपये भी दिए थे। लेखक के किशन भैया की शादी थी। लेखक को बुखार आ रहा था, इसलिए वह बारात में नहीं गया। दादी माँ ने लेखक को उसके पास ही चारपाई पर सुला दिया। घर में औरतें विवाह की रात को अभिनय कर रही थी। उसके मामा का लड़का राघव देर से पहुंचने के कारण बारात में जाने से रह गया। औरतों ने ऐतराज़ किया कि इस समय यहाँ लड़के का काम नहीं है। दादी माँ ने कहा कि छोटे लड़के और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं होता। दादी माँ ने अपने जीवन में बहुत सुख दुख देखे थे। दादा की मृत्यु के बाद वह उदास रहने लगी थी। उनकी मृत्यु पर पिताजी और दादी माँ को उनका शुभचिंतक बताने वालों की कमी नहीं थी। इन्हीं शुभचिंतकों के कारण घर की स्थिति बिगड़ गई थी। दादी माँ के मना करने पर दादाजी के श्राद्ध पर पिताजी ने बहुत खर्चा कर दिया। घर का उधार
बहुत बढ़ गया। एक दिन दादी माघ की सर्दी में गीली धोती पहने कमरे में संदूक पर दीपक जलाए बैठी थी। लेखक उनके पास जाकर बैठ गया। उसने दादी माँ से उनके रोने का कारण पूछा। दादी माँ ने उसे टाल दिया। अगली सुबह लेखक ने देखा कि उसके पिताजी और किशन भैया दुखी मन से कुछ सोच रहे थे। उन्हें कहीं से भी उधार नहीं मिल रहा था। उस समय दादी माँ ने पिताजी को दिलासा दिया कि उनके रहते चिंता मत करें। उन्होंने पिताजी को अपने सोने के कंगन दिए। अभी लेखक के हाथ में किशन भैया का पत्र था जिसमें लिखा था कि दादी माँ नहीं रही। लेखक को इस समाचार पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो बच्चों, यही था यहाँ पर इस पूरे पाठ का सारांश जो कि हमने आपको यहाँ पर पढ़कर सुनाया, और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप इसे बार बार पढ़ें, अच्छे से समझें, और चाहे तो अपनी नोटबुक में नोट भी कर लें। इसके बाद चलिए आइए जान लेते हैं यहाँ पर इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर, जिन्हें आप अच्छे से याद करें। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यह है अभ्यास प्रश्न उत्तर में पाठ के प्रश्नों के उत्तर। और पहला प्रश्न है बच्चों, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। तो उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर आप इस प्रकार से लिखें, जब लेखक को मालूम हुआ कि उनकी दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उनकी आँखों के सामने दादी माँ के साथ बिताई गई कई यादें सजीव हो उठी। उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ जैसे गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना तथा खास तौर पर साफ सफाई का ध्यान रखना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा किए जाने वाले गीत और अभिनय के समय बीमार लेखक का चादर ओढ़कर सोना, और पकड़े जाने पर दादी माँ का उनका पक्ष लेना, साथ ही उसे रामी चाची की घटना भी याद आ जाती है जब दादी माँ ने उनकी आर्थिक मदद की थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने बच्चों पहले प्रश्न का उत्तर। और आता है फिर दूसरा प्रश्न आपका, और यहाँ पर पूछा है, दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? तो आपने पाठ पढ़ा होगा क्यों हो गई थी खराब स्थिति। उत्तर लिखेंगे, दादाजी की मृत्यु के पश्चात लेखक के पिताजी व भैया ने धन का सही उपयोग नहीं किया था। गलत मित्रों की संगति में सारा धन नष्ट कर डाला। दादाजी के श्राद्ध पर भी, दादी के मना करने पर भी लेखक के पिताजी ने अपार संपत्ति व्यय की फलस्वरूप उनके घर की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई, यानी कि आवश्यकता से ज़्यादा धन उन्होंने व्यय कर दिया और उनकी घर की स्थिति खराब हो गई। अगला जो है बच्चों, ये था आपका दूसरा प्रश्न, इसका उत्तर। और अगला प्रश्न है तीसरा, इसमें पूछा है कि दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? उत्तर लिखेंगे, दादी माँ का सेवा, संरक्षण, परोपकारी व सरल स्वभाव हमें सबसे अच्छा लगता है। दादी माँ मुँह से भले कड़वी थी परंतु घर के सदस्यों तथा दूसरों की आर्थिक मदद के लिए हर समय तैयार रहती थी। आवश्यकता के समय दादाजी की अंतिम निशानी सोने का कंगन देकर घर वालों की मदद की, रामी चाची का कर्ज माफ़ कर उसे नगद रुपए भी दिए ताकि उसकी बेटी का विवाह निर्विघ्न संपन्न हो जाए। इन्हीं कारणों से ही वे दूसरों का मन जीतने में सदा सफल रही। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं यहाँ पर तीसरे प्रश्न में इसका उत्तर, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको अच्छा लगा। चाहे तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है बच्चों, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े जैसे क्वार, आषाढ़, माघ, इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, लिखिए। उत्तर लिखेंगे आप, सबसे पहले लिखेंगे क्वार का महीना और हेडिंग डाल के लिख दें, इस महीने में न तो अधिक गर्मी और न ही अधिक सर्दी होती है, अर्थात हल्की हल्की ठंड रहती है, आमतौर पर मौसम साफ रहता है। इसके बाद आता है आपका दूसरे नंबर पर आषाढ़ का महीना, तो यहाँ पर भी आप लिखेंगे, वैसे यह मौसम वर्षा का होता है परंतु इस महीने वर्षा न हो तो गर्मी बढ़ जाती है। फिर बात करते हैं तीसरा, माघ का महीना, इस महीने में अत्यधिक सर्दी होती है, भयंकर सर्दी से सभी का बुरा हाल हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने इस चौथे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं यहाँ पर। आता है बच्चों फिर पांचवा प्रश्न, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं, लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। तो आप लिख सकते हैं, पाठ आपने पढ़ा था बच्चों, उत्तर लिखेंगे, क्वार के महीने में तरबूज, खरबूजे, फालसे और लीची मिलते हैं, जबकि आषाढ़ के महीने में आम, जामुन और खीरा मिलते हैं, और माघ के महीने में अंगूर, केले, अमरूद
और गुड मिलता है। तो इस प्रकार से आप लिखें अपना इस पांचवें प्रश्न का उत्तर। और फिर बात करते हैं यहाँ पर, आगे आते हैं प्रश्न भाषा की बात के, यानी व्याकरण के अंतर्गत। और यहाँ पर जो है पाठ से संबंधित भी कुछ प्रश्न, छठा प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए और है जरा सी कठिनाई पढ़ते अनमनासा हो जाता है और सन से सफ़ेद। तो यहाँ पर क्या समझे आप, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा सी सा और से पर, ठीक है। तो समानता का बोध कराने के लिए सा सी से का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऐसे पांच और शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग भी कीजिए। तो उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि नंबर एक नीला सा, आकाश नीला सा हो गया है, यानी कि कैसा हो गया है, नीले के समान। रुई से नानी जी के बाल रुई से सफ़ेद हो गए, कैसे हो गए, रुई के समान, ठीक है, सफ़ेद। मिश्री सी, बाल कृष्ण की बातें गोपियों को मिश्री सी लगती थी। और चौथा लिख सकते हैं चांद सा, उसका चेहरा चांद सा गोल है, यानी चांद के समान गोल है। और सागर सी, उसकी आंखों में सागर सी गहराई है, किसकी तरह, सागर की तरह गहराई। समानता की बात की गई ना यहाँ पर, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने इस प्रश्न का उत्तर। ये छठा प्रश्न था आपका। और यहाँ पर जो है पांच वाक्य आपने लिखे। फिर आता है सातवां प्रश्न बच्चों, कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती, जैसे वाक्य आए हैं। किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है, जैसे वहाँ जा जाकर थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के आपने पांच वाक्य और बनाने हैं। तो उत्तर भी आप बना सकते हैं बच्चों। नंबर एक, बच्चे अपने उत्तरों को बोल बोल कर याद कर रहे थे, नंबर एक। नंबर दो, उस नन्हे बच्चे की शरारतों को देख देख कर हम थक गए, ठीक है। तो यहाँ पर देख देख कर, यहाँ पर बोल बोल कर। और इसके बाद तीसरा है, जोर जोर से चिल्ला कर तुम क्या साबित करना चाहते हो, तो जोर जोर से। और इसी प्रकार से चौथा है, बार बार उसके उस सवाल करने से हम तंग आ गए थे और पुलिस ने अपराध को पीट पीट कर अधमरा कर दिया, अपराधी को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। तो आपने देखा यहाँ पर एक शब्द को दो बार जोर देकर बोला गया है, ठीक है। अगला है आठवां प्रश्न है बच्चों, बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में है, इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियाँ होती हैं। और कैसे हैं, देखिए आपने शब्द कैसे हैं, उदाहरण के लिए निक्षार, बरहा, उरिन, चिवड़ा, छौंका इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग ढंग से होता है, जैसे चिवड़ा को चिड़वा और चुड़त्र पोहा, और इसी तरह से छौंका को छौंक या तड़का भी कहा जाता है। निक्षार को उरिन और बरहा शब्द कर्मशः निकास, उरिन और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप है। आपके क्षेत्र में भी कई ऐसे शब्द बोले जाते होंगे जो दूसरे क्षेत्र में दूसरी तरह से बोले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है इसी प्रकार के दस शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा या बोली में एकत्र कीजिए और कक्षा में लिखकर दिखाइए। तो आप भी दिखा सकते हैं, कुछ इस प्रकार के शब्द आपके क्षेत्र में भी बोले जाते होंगे, जैसे काहे, बंदा, कृपा, कार, परोजन, लचमन, आपा, भनक, घना, बटेऊ आदि। तो इनको जो है आपकी भाषा में क्या कुछ कहते हैं, आप जो है कक्षा में बता सकते हैं। तो बच्चों उसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर सारे समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार कक्षा 7 हिंदी वसंत के सभी पाठों को पढ़ने के लिए आप लगातार इसी प्रकार जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और जानते रहे अपने सभी पाठों के प्रश्नोत्तर सारांश भावार्थ हमारे साथ। तो मिलते हैं फिर अगले पाठ के नए प्रश्नोत्तरों के साथ, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका दिन शुभ हो।